पर्पल कैप की दौड़ हर साल के आईपीएल में बहुत ज्यादा रोमांचक होती है, इस साल भी होगी। और इसी कड़ी में 2022 में कौन से 10 गेंदबाज पर्पल कैप जीत सकते हैं उनके नाम इस वीडियो में बताऊंगा, और क्यों इन गेंदबाजों के पर्पल कैप जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा विकेट लेने के चांसेस सबसे ज्यादा है उसका कारण भी बताऊंगा। एंड तक वीडियो में लेकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की तमाम खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट सबसे पहले देते हैं, तो लाइक और शेयर तो वीडियो को करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दरअसल दोस्तों, पहले खिलाड़ी जिनको इस लिस्ट में हमने सबसे ऊपर रखा है, एंड आई पर्सनली थिंक इस साल भी हमें इनके हवाले से कुछ बहुत अच्छी खासी गेंदबाजी देखने को मिल सकती है, वो है आवेश खान। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में इस साल आवेश खान 10 करोड़ रुपए में लगभग बिके हैं। एंड आई पर्सनली थिंक, और मैं पर्सनली क्या बात करूं दोस्तों, जो हमने पिछले सीजन उठाकर देखे हैं, आवेश खान का कद एक जहीर खान के कद की तरह हमें भविष्य में प्रोजेक्टेड होता हुआ दिखा है। पिछले साल के इनके आईपीएल के रिकॉर्ड भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है आवेश खान इस बार भी पर्पल कैप की दौड़ में बहुत आगे दौड़ते हुए नजर जरूर आएंगे। अब ये कितना आगे दौड़ेंगे, कहां तक पहुंचेंगे कि जीत पाएंगे, ये तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की जिसको हमने इस लिस्ट में रखा है, तो वो है आरसीबी के हर्षल पटेल। सेम रीजन, पिछले साल का प्रदर्शन, ज्यादा समय हुआ नहीं है, 6 महीने ही बीते हैं, मुंबई की पिचेस पर तेज गेंदबाजों का अतिरिक्त मदद रहती है, बिकॉज लाल मिट्टी की पिच रहती है तो हल्का सा उछाल एक्स्ट्रा। एंड आई पर्सनली थिंक हर्षल पटेल भी उसी राह पर है जिस पर आवेश खान है, एंड आरसीबी की टीम ने दोबारा खरीदा है, तो आरसीबी सोच समझ कर जरूर खरीदा होगा। इनके रिकॉर्ड पिछले साल के भी देख पा रहे होंगे, बताइए आप कि ये कितने विकेट लेंगे। दोस्तों, तीसरे खिलाड़ी जिनको इस पर्पल कैप की लिस्ट में हमने रखा उनका नाम बताएंगे, आप जानते होंगे उन्हें, लेकिन उससे पहले एमसीपी शॉट नया चैनल आ चुका है, आईपीएल क्रेडिट के पर्दे के पीछे की कहानियों को एक मिनट के छोटे वीडियो फॉर्मेट में वहां पर बता रहे हैं और रोज दिखा रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मजा जाएगा आपको वहां पर। तीसरे खिलाड़ी है दोस्तों जसप्रीत बुमराह, मुंबई इंडियंस की टीम में जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे, और भाई जिस तरह का आईपीएल का रिकॉर्ड रहा है जसप्रीत बुमराह का, अगर पर्पल कैप की लिस्ट तैयार होती है आप जसप्रीत बुमराह को नहीं रखेंगे तो शायद आपकी ही गलती है, बिकॉज इनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। शुरुआती ओवर में विकेट, आखिरी ओवर में विकेट, और आईपीएल का पूरा इतिहास उठाकर देख लेंगे, शायद वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पेसर है। पेसर इसलिए और इनका नाम इसलिए है पर्पल कैप की लिस्ट में क्योंकि मुंबई में सारे मैचेस हो रहे हैं, और बुमराह और मुंबई की पिचेस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा नाता है, तो बुमराह पर नजरें रहेंगी पर्पल कैप की दौड़ में। चौथे खिलाड़ी जिनको हमने इस लिस्ट में रखा वो है राजस्थान रॉयल्स के ट्रेंट बोल्ट। पिछले साल ट्रेंट बोल्ट हमने मुंबई इंडियंस की टीम में खेलते हुए देखे थे, इससे पहले दिल्ली की टीम का हिस्सा भी बोल्ट रहा है, लेकिन इस साल राजस्थान रॉयल्स के एक अहम प्लेयर बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बहुत ही अच्छा पैतरा चला है बोल्ट को लेकर, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स बहुत अलग दिख रही है इस साल, बहुत कुछ करेगी, और इसमें अगर कोई की भूमिका रहेगी तो वो बोल्ट की रहेगी। दूसरी बड़ी चीज कि ट्रेंट बोल्ट मुंबई की पिचों से बहुत अच्छे से वाकिफ है, तो वो फायदा ट्रेंट बोल्ट को जरूर मिलेगा। एंड आई पर्सनली थिंक कि दोस्तों जो रिकॉर्ड है इनका पिछले सालों का, आप आईपीएल का इनका रिकॉर्ड देख पा रहे होंगे, बहुत ही सफल तेज गेंदबाज रहे, तो मेरी लिस्ट में चौथे नंबर पर चौथे तेज गेंदबाज, क्योंकि चारों ही तेज गेंदबाज अभी तक हमने रखे हैं राजस्थान रॉयल्स के, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट है। पांचवें खिलाड़ी को हमने रखा है दोस्तों आरसीबी के वनांदु हसरंगा को। अब वनांदु हसरंगा की जब ये बिडिंग गई इतनी लंबी चौड़ी तो सब लोग हैरान थे, लेकिन इसका जो कारण था वो भी इनकी गेंदबाजी ही थी। हमने वर्ल्ड कप में जिस तरह की गेंदबाजी हसरंगा के हवाले से देखी, अगर वो कुछ उसी तरह की मिस्ट्री बॉलिंग ले आते हैं और वो ऑलराउंडर का प्रदर्शन कर देते हैं आरसीबी के हवाले से, तो पर्पल कैप जीतना कोई बहुत बड़ी बात इनके लिए होगी नहीं। भाई पेसर्स को मदद जरूर है, लेकिन हसरंगा जैसे प्लेयर्स को फायदा होता है, और इसका कारण यह है कि भारत है, स्पिनर्स को कहीं ना कहीं तो फायदा एज रही जाती है, तो सीधी बात है कि जाहिर है पांचवें नंबर पर रखा है हसरंगा को क्योंकि स्पिनर है, हमने तेज गेंदबाजों को ऊपर रखा है, बट स्टिल पर्पल कैप जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा, पिछले सालों के इनके रिकॉर्ड भी आप अपनी स्क्रीन पर आईपीएल के देख पा रहे होंगे। पांचवें खिलाड़ी के बाद बात करते हैं छठवें प्लेयर की, तो छठवें प्लेयर भी स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती, कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों वरुण चक्रवर्ती को हमने इस लिस्ट में रखा है और रीजन यही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साल एक प्राइम प्लेयर बनकर खेलेंगे, पिछले साल तो ये एक दबे हुए छुपे हुए प्लेयर छोटे खिलाड़ी की हैसियत से खेलते थे, इस बार तो रिटेन हुए हैं। चक्रवर्ती पर बहुत निगाहें रहने वाली है, कुछ लोग इन्हें कह रहे हैं कि ये भारत का भविष्य है, पिछले साल का रिकॉर्ड इनका अच्छा था इसलिए रिटेन हुए थे, तो पिछले साल भी ये दौड़ ही रहे थे उस दौड़ में। एंड आई पर्सनली थिंक इस बार भी पर्पल कैप की दौड़ में पर्पल कलर के कपड़े पहनकर केकेआर का ये खिलाड़ी बहुत आगे तक दौड़ने की कुवत तो रखता है, बाकी जो होगा फिर देखा जाएगा। सातवें प्लेयर दोस्तों जिनको हमने इस लिस्ट में रखा है, क्योंकि चक्रवर्ती तो स्पिनर थे बट जो सातवें प्लेयर है वो है तेज गेंदबाज, नाम है शार्दुल ठाकुर। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शार्दुल ठाकुर इस साल खेलते हुए नजर आएंगे, इससे पहले हमने शार्दुल ठाकुर को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में खेलते हुए देखा है, बट बिकॉज राइट नाउ अब हम देख रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर दिल्ली कैपिटल्स में खेलेंगे तो प्रोमिनेंट रोल रहेगा, आवेश खान की जगह लेने वाले हैं, और बड़ी चीज यह कि दिल्ली ने ऑलराउंडर भी देख रही है। अब रिकॉर्ड इनके अच्छे हैं, पर्पल कैप इनके
सिर पर रहा है, कई दफा रहा है, पर ये जीत नहीं पाया है, इसीलिए नंबर 7 पर इनको हमने रखा हुआ है, क्योंकि उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट गेंदबाजी इन्हें मिलेगी नहीं दिल्ली के हवाले से जितनी मिलती है दूसरी टीमों में। तो लेट्स सी क्या होता है 7वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर। नंबर 7 के बाद अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो 8वें स्थान पर हमने रखा है गुजरात टाइटंस के मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को रखने का सीधा रीजन ये है कि गुजरात की टीम में अगर कोई सबसे बड़ा गेंदबाज है तो वो मोहम्मद शमी है, नंबर 1। अगर कोई हर मैच में चार 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 ओवर डालेगा ही डालेगा वो मोहम्मद शमी है। तो मौके जो मोहम्मद शमी को मिलने वाले हैं गुजरात टाइटंस में, शायद हर मैच के सारे ओवर्स, सारे चार चार ओवर्स इन्हें मिलने ही वाले, पूरा का पूरा स्पेल इनको मिलने वाला है, बिकॉज चांसेस इन्हें ज्यादा मिलेंगे, इनके चांसेस हाई हो जाएंगे टू विन द पर्पल कैप। ये जीत भी चुके हैं, सजा भी चुके हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग T20 वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट में, IPL में करते हैं। इनके रिकॉर्ड आप जरूर देखिएगा। दूसरी बड़ी चीज, थोड़ी सी इनको अपने नीचे से ही रखा है, बिकॉज गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस कम है। अगर कोई टीम प्लेऑफ में पहुंचती है तो एक्स्ट्रा ओवर्स गेंदबाज को मिल जाते हैं, वो 1-2 विकेट एक्स्ट्रा लेकर पर्पल कैप जीत जाता है, इसीलिए इनको थोड़ा नीचे रखा है। 9वें नंबर पर हमने रखा है राहुल चहर को। राहुल चहर पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा बनेंगे। राहुल चहर सेम रीजन, अच्छे गेंदबाज, स्पिनर का रोल, मुंबई की पिचेस से वाकिफ है एंड IPL का रिकॉर्ड इनके साथ है, बट क्योंकि पंजाब की टीम में है शायद प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस उतने ज्यादा ना हो, इसीलिए चांसेस तो है इनके पर्पल कैप सजने के, और अगर ये चलते हैं तो सजा भी लेंगे, बट पंजाब को भी इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर पंजाब प्लेऑफ में गई तो ही ये फिर कुछ आगे तक ले जा पाएंगे। 10वें खिलाड़ी युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स की टीम में खेलेंगे, अपने आप को प्रूव करने उतरेंगे। एंड रीजन बिहाइंड दिस कि भाई पिछले साल RCB की टीम से जो भरोसा RCB वालों ने उतारा है वो जरूर मुझे नहीं लगता कि पसंद आ रहा होगा इस समय युजवेंद्र चहल को। अगर प्रूफ करने में उतर गए तो ये खिलाड़ी कई बार अपने सिर पर पर्पल कैप सजा चुका है। इनके IPL के रिकॉर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 10 खिलाड़ी मेरे हिसाब से थे, बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपने 3-4 प्लेयर्स के नाम लिख दीजिए जो जीत सकते हैं पर्पल कैप। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। MCB Short पर अपना अकाउंट जरूर बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।